आओ बच्चों, आज मैं तुम्हें एक नरभक्षी चुड़ैल की कहानी सुनाता हूँ। एक दिन चर्च के पीछे कब्रिस्तान में गांव वाले जूली को जिंदा दफना रहे थे। जूली को जिंदा दफनाने के लिए खुद जूली का बाप रॉबर्ट फादर से जल्दी करवा रहा था। इसे जल्दी दफनाओ फादर, वरना ये चुड़ैल सारे गांव को मार डालेगी। रुक जाओ, मेरी बेटी को मत दफनाओ, वो जिंदा है। इसे जिंदा रखना खतरे से खाली नहीं, ये चुड़ैल है, इसे जल्दी से जिंदा दफना दो। फादर प्लीज इन्हें रोकिए, मेरी बेटी चुड़ैल नहीं है। रुक जाओ, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, पुलिस अभी आती ही होगी। रुक जाओ, इसे कोई नहीं दफनाएगा। इंस्पेक्टर, ये हमारे कबीले का मसला है, आप इसमें दखल ना दे तो ही बेहतर होगा। ये चुड़ैल है, इसे जिंदा रखना यानी मौत को दावत देने के बराबर है। तुम यहाँ से चले जाओ इंस्पेक्टर, वरना तुम भी मार दिए जाओगे। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर की धमकी सुनकर सब कॉफिन छोड़कर दूर हट जाते हैं। रोजी दौड़कर कॉफिन खोलती है। अपनी बेटी को जिंदा पाकर रोजी खुश हो जाती है। आपने इसे जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है साहब, अब ये किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। रॉबर्ट, तू चिंता क्यों करता है? इंस्पेक्टर इसकी कब तक जान बचाएगा? इनके जाने के बाद चुड़ैल से हम निपट लेंगे। इंस्पेक्टर साहब, इनकी जान को खतरा है, मगर मैं गांव वालों को समझा सकता हूँ, पर एक शर्त है। क्या शर्त है फादर? इस लड़की को हमारा गांव छोड़ना होगा। मुझे मंजूर है फादर, मैं और मेरी बेटी आज ही गांव छोड़ देंगे। शर्त के मुताबिक माँ और बेटी ने गांव छोड़ दिया और गांव के बाहर जंगल के करीब घर बनाकर रहने लगे। एक दिन ओनिल को अपने खेत में काम करते करते थोड़ी देर हो गई। उस वक्त रात हो चुकी थी। ओनिल अकेला जंगल से होकर अपने घर की ओर जा रहा था, तब कौन है? कौन है? यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है ये मेरा वहम है। इंस्पेक्टर के जाने के बाद तू ही हमसे निपटने वाला था, है ना? मुझसे गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। तूने मुझे जिंदा छोड़कर गलती की, तू चाहता है कि वो गलती मैं भी करूं? रात को कौन होगा? जब तक तुम नहीं बताओगे कि तुम कौन हो, तब तक मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैं फादर हूं ओनिल, दरवाजा खोलो। फादर, गजब हो गया, कल रात को ओनिल को किसी ने मार दिया। गांव के बाहर से जैसे कुत्ते ने खाई हो वैसी उसकी आधी खाई हुई लाश मिली है। लाश गांव के बाहर जहां चुड़ैल रहने गई है वहां से मिली होगी? हाँ फादर, वहीं से मिली है। ओ गॉड, हमको बचाओ, मेरे गांव की रक्षा करो गॉड। ओनिल की मौत के बाद गांव में दहशत का माहौल है। रात को जो भी गांव वाला बाहर जाता है चुड़ैल उसे मार देती है। अब चुड़ैल रोज किसी न किसी गांव वाले को मार देती है। सभी गांव वाले घबरा कर फादर के पास जाते हैं। फादर रॉबर्ट को बुलाते हैं। रॉबर्ट, अब तो गांव वालों को भी लगने लगा है कि तुम्हारी बेटी ही चुड़ैल है, बताओ अब क्या करें? फादर, भूल जाइए कि वो मेरी बेटी है, अब वो एक चुड़ैल है, उसे मरना ही होगा। हाँ हाँ, चलो आज उसे मार ही देते हैं। नहीं, मैं तुम सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता, वो मुझे कुछ नहीं करेगी, इसलिए मैं अकेला ही वहाँ जाऊँगा और उसे खत्म कर दूंगा। रॉबर्ट को पक्का यकीन था कि उसकी बेटी जूली ही चुड़ैल है और वो ही रोज गांव वालों को मार रही है, इसीलिए जूली का खेल खत्म करने के इरादे से रॉबर्ट गांव के बाहर जंगल के करीब जहाँ जूली और रोजी रहते हैं वहाँ क्रोधित होकर जा रहा है। तभी उसे गाँव के बाहर रोजी मिलती है। रोजी, कहाँ है वो चुड़ैल? आज मैं उसे खत्म करके ही रहूँगा। मैं आपको कितनी बार कहूँ, वो आपकी बेटी है, चुड़ैल नहीं। और मैं भी तुमसे कितनी बार कहूँ, वो चुड़ैल है, चुड़ैल है, चुड़ैल है। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लगता है वो चुड़ैल घर के अंदर है।
जूली को ढूंढने के लिए रॉबर्ट घर के अंदर गया, मगर घर के अंदर का मंजर देखकर रॉबर्ट की आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल वो जिसे चुड़ैल समझता था उस जूली की आधी खाई हुई लाश फर्श पर पड़ी थी। वो सोच में पड़ गया कि जूली चुड़ैल नहीं है तो कौन है। रॉबर्ट फौरन घर से बाहर निकल गया। बाहर रोजी उसके सामने खड़ी थी। रोजी, जूली चुड़ैल नहीं है तो चुड़ैल कौन है? बहुत भोला है तू। क्या मतलब? असली चुड़ैल मैं हूँ। एक दिन तेरी बीवी ने एक सुनसान जगह पर चल बोला था, उसी वक्त मेरी आत्मा तेरी रोजी के साथ चल पड़ी थी। जल्दी चल, देर हो रही है। तेरी बेटी मेरा राज जान गई थी और तू भी जान गया है। अब तुम दोनों को मरना पड़ेगा। चुड़ैल जैसे ही रॉबर्ट को मारने आगे बढ़ती है तब फादर वहाँ आ जाते हैं। रुक जा चुड़ैल, अगर तूने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये होली वाटर तुम पर छिड़क कर तुम्हें जिंदा जला दूंगा। अरे बेवकूफो, तुम चुड़ैल को ना कभी रात को मार सकते हो और ना कभी दिन को। दिन में चुड़ैल एक ही समय में मरती है, जब दिन में अचानक अंधेरा छा जाए। ओ गॉड, इस दृष्ट आत्मा को मारने के लिए कोई चमत्कार दिखाओ। कुछ देर के लिए अंधेरा कर दो गॉड। गॉड ने फादर की बात सुन ली। सूरज के ऊपर अचानक बादल छा गए और अंधेरा हो गया। अंधेरा होते ही चुड़ैल गुस्से में आग बबूला हो गयी। मौका पाते ही फादर ने तेजी से चुड़ैल पर होली वाटर छिड़क दिया। बचाओ, मुझे बचाओ। ओ रॉबर्ट, आई लव यू। आई लव यू टू रोजी। हमारी जान बचाने के लिए शुक्रिया फादर। गॉड ब्लेस यू माय सन। और उस दिन के बाद गांव में खुशहाली छा गई। अब सारे गांव वाले निर्भय होकर चैन से जी रहे हैं। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।